गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सारी टाइम जीएस ब्लॉग में मैं दीपक शर्मा। आज के इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले उमेद भवन, जो कि जोधपुर में एक अच्छा महल है। तो हमारा संडे है तो आज हमारा और बस मिलता है, तो जिससे हमारा बस कॉलेज की तरफ से बस जाती है। तो हम लोग सब हॉस्टल वाले जाते हैं छुट्टी आज, तो आज निकलेंगे 10:30 बजे, जो कि बस 10 बजे आएगी, तो वहाँ से निकलेंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको उमेद भवन के बारे में पूरा दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग पर बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो वीडियो बनने वाला होगा वीडियो कैसा है। तो चलिए आपको इस ब्लॉग में दिखाते हैं। तो चलिए तो वाइट वे हम लोग आ गए जलोरी गेट। अब यहाँ से जलोरी गेट से जाएंगे उमेद भवन प्लेस, जबकि साथ में ऋतिक बउआ है, नारायण भी है। नारायण बोल रहे थे कि हमको नहीं लेके आते हो आजकल ब्लॉग में, तो नारायण कुछ बोलिएगा। हेलो एवरीवन, नारायण है हमारे क्लासमेट नहीं है पर ब्रांच के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। हाँ क्लासमेट ही है पर इलेक्ट्रिक ब्रांच के हैं। हाँ तो नारायण बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? उमेद भवन। हाँ भाई, तो वहाँ जाके अपन लोग अभी मौज मस्ती अभी थोड़ा करेंगे। वहाँ का आज के ब्लॉग में उमेद भवन के बारे में पूरा दिखाएंगे। आप लोग बने रहना। हाँ इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। एक और आदमी से भेंट कराना है, मन्नो अभी इधर है। हाय मन्नो, ये हमारा क्लास कल जो सोया था ना, कल के ब्लॉग में जो दिखाया था सोया था। हाँ यही है सोता बहुत है। तो बाय दो, अभी अपन लोग हैं इधर ही के लिए। पोल देखो, पीछे रोड है। तो अगर हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आगे आपको दिखा रहे हैं इस ब्लॉग पे, तो बने रहिए इस ब्लॉग पर भी। तो पोपट हो गया ये, हम लोग जिधर से क्या बोलते हैं जिधर से आए थे शॉर्ट कट आए थे वो रास्ता एंट्री बंद है। तो अभी हम लोग को 2.5 किलोमीटर फिर से राउंड करके वापस जिधर से आए थे उधर से फिर ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। तो मतलब अपन लोग आए हैं इधर से एक बार, पर बात है कि इस बार इधर बंद किया, अभी बंद कर दिया इधर से पता नहीं क्यों। तो फिर आगे अभी चलते हैं, फिर चौक से फिर ऑटो पकड़ेंगे, देन आफ्टर फिर वहां से चलेंगे। ठीक है, फिर बने रहिए अभी इस ब्लॉग पे हमारे इस। अपना डिस्टिनेशन पर पहुंच गया है और यहाँ पर टिकट कटा लिया है। टिकट कटा के अब जा रहे हैं सबको, यहीं पे नारायण भी यहीं पे है। नारायण देती जहाँ जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। उमेश भवन नजारा देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है उमेद भवन प्लेस का। क्या है मनु, तो देख सकते हैं आप। बाय द वे उमेद भवन प्लेस है, बहुत ही बड़ा मतलब एक होटल भी है और प्लेस भी है। होटल एक रात का चार्ज यहाँ पर 3 लाख रुपये आसपास है। और देख सकते हैं घूमने के लिए कितना लोग आए हैं। सामने का फ्रंट लुक है देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी कार, वहाँ पर कार कलेक्शन है, वहाँ पर कार दिखाएंगे आपको।
चलो। पूरा ये पैलेस का मॉडल है, लकड़ी का बना है, लेंस आया था कि आपका ये होटल देख सकते हैं यहाँ पर ज्वेलरी यूज दिस दैट बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट का प्लेयर स्पोर्ट का है। आप अगर व्यू बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। बाकी ऊपर का नज़ारा ही देखिए क्या अच्छा नज़ारा है। बहुत ही अच्छा कलाकारी है यहाँ पर। हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से,
अब बाहर यहाँ से निकलेंगे, फिर इधर से एक फोटो ये ले लेते हैं। हाँ क्या बात करता है भाई, ऊपर में इसका जो ऊपर में वही है। आप देखिए आप अंदर में बाहर का नजारा है, ये पूरा व्यू ऊपर से। अब जरा सा हट पीछे से, अब मैं ले लूं। अब देखिए जहाज, जहाज सब जहाज है। हरा के तो ही फोटो खींचो, मैं ना करते हैं की अच्छा होने देखते बड़ा अच्छा जहाज का कलेक्शन है। ना चलना चलना चलते पर चलते उधर नहीं है भाई, वो प्राइवेट वाला है, प्राइवेट प्लेस है। अरे वो एंट्री के लिए आता है प्राइवेट प्लेस। चलते रहो चलते रहो। ये है लैंप, लैंप टाइप का मतलब हाँ जलाने वाला। ये भी लैंप है। चलो आ सकते हैं। अनिल बाहर आ गए हम लोग बाहर। तो हम लोग कुछ का आधा घूम, आधा फाइनली उमेद भवन का आधा से ज़्यादा कुछ घूम लिए हैं। बाय द वे अच्छा लगा, मैं दो बार आ चुका हूँ यहाँ पर। अभी जा रहे हैं गाड़ी का कलेक्शन देखने, गाड़ी का जो कलेक्शन है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो रहा तो चलिए चलते हैं। का कलेक्शन देखने तो चलिए आपको दिखाते हैं कार का कलेक्शन यहाँ पर। इधर इधर कुछ नहीं कुछ नहीं, चलते रहो। कार गाड़ी का कलेक्शन देखना, गाड़ी का कलेक्शन देखना पड़ेगा। एक बार से हाई करो, हाई करो। ये रहा उस प्लेस, वहाँ से लूँगा ना, अच्छे से लूँगा मैं पूरा। देख सकते हैं, तो अभी चलिए आपको गाड़ी का कलेक्शन दिखाएंगे, बहुत से पुरानी गाड़ी है वहाँ पर कलेक्शन दिखाना है। हाँ वो होटल है ना, वो वाला हिस्सा होटल में आ रहा है। और ये चार सेटिंग का, ये चार सेटिंग का है और 1947 कैसी है मैनुफैक्चरिंग है। हाँ ये मैनुफैक्चरिंग इंजन नंबर है 38-42। मेकअप नेम है मोरिस सलोन्स, और क्या बोलते हैं इंजन सिथनी है ना। तो देख सकते हैं ये कार कलेक्शन है राजस्थान पुराने महाराजा के समय का है। हाँ कांच है, कांच के अंदर पैक है। और ये इसका देख सकते हैं, ये भी वही है, लग रहा है यार सब कुछ। अंधेरा करो, अंधेरा करो, अंधेरा करो ना, तू करना तू और करना यहाँ पर। और ये देख सकते हैं, और ये गाड़ी का इंफॉर्मेशन है। तो ये कलेक्ट मॉडल है, मॉडल है बहुत सारे। और ये है रेल इंजन, नहीं रेल इंजन रोल्स रॉयस नहीं है। और ये रहा मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज है देख सकते हैं लोगों, मर्सिडीज है। ये रहा कलेक्शन, और ये रहा क्या बोलते हैं इसको, मॉन्स्टर बोल सकते हैं, ब्लॉक 8 रोड मास्टर, रोड मास्टर है ये। हाँ
लंबी लंबी कार है यार, बहुत लंबी है ना, वेट होगा ना इसका, बहुत ज़्यादा वेट होगा। हाँ क्योंकि गाड़ी से ज़्यादा ही वेट होगा इसका। सर देख सकते हैं कार कलेक्शन है, कपड़ी इंजन नंबर दीज दैट, सर कर लीजिएगा, गाड़ी चाहिए था, बहुत लंबा है यार ये देखो, कहाँ गाड़ी है भाई, आउटसाइड से देखे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और ये और ये रोल्स रॉयल, रोल्स रॉयल माय फेवरेट, ये है रोल्स रॉयल, देख लो भाई गाड़ी देख सकते हैं लोगों का रोल्स रॉयल का, और ये रहा इसका रोल्स रॉयल टर्म सेकंड है इसका, बहुत ही तगड़ा इंजन से लेके इसका मैनुफैक्चरिंग 1935 में हुआ था, पावर 40 से 60 के बीच है, और कैसे नंबर ये भी रोल्स रॉयल, ये भी रोल्स रॉयल, यहाँ पर खत्म। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और क्या बोलते हैं, नारा ने अपना कुरकुरे वापस ले लिए, इनका जन्म सिद्ध अधिकार था इन कुरकुरे पर, तो ये लेंगे कहा नहीं लेंगे, बात सही है, पैसा दिए भाई 10 रुपया, 10 रुपया वही तो बोल रहे, नहीं होता है, तुम कहाँ जानते हो 1 रुपये का टिकट ले, तुम्हारा टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ से व्यू दिखाते हैं, ये रहा, अब यहाँ से व्यू देखिए, हम लोग अंदर से घूम के आ गए हैं, तो अच्छा खासा नज़ारा था, कुछ 30% का कम से कम 30% उसमें घूमने का प्लेस जगह था, बाकी 70% प्राइवेट एरिया है, चुना लग सकता है, प्राइवेट यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि कृपया करके इस पे चढ़ के इस पे चढ़ के फोटो नहीं, सामने आके भी आप फोटो वोटो ना खींचे ना ही खड़े रहे। अच्छा बात सही, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना खाई है, बहुत ही खाई है, और ये मतलब क्या बोलते हैं ये सिटी क्या बोलते हैं इसको सोसाइटी है, तो बहुत सारे ऐसे ये यहाँ का राजा का सोसाइटी है, उनके अंतर्गत ये सोसाइटी आती है, पूरा जितना भी ये दिख रहा है सब उन्हीं के अंतर्गत ये सोसाइटी है, उन्हीं के अंतर्गत सोसाइटी है। तो पहले हुआ यूँ कि हम लोग गए घूमे 30% प्लेस ही घूमने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया है, बाकी 70% जो प्लेस है वो प्राइवेट रखा गया है, तो जिसमें आप अगर एक दिन का चार्ज इट में भी मैंने सुना है कि एक दिन का चार्ज 3 लाख रुपए है, तो आप पे करके यहाँ पर रह सकते हैं एक दिन का पिक्चर, तो बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेस इसमें देखने मिला, अभी बहुत रहती था, मज़ा आया और समय अच्छा भी लगा हम लोग को। तो चलिए आगे अभी और ब्लॉग में बने रहिएगा, ओके। फाइनली हम लोग उमेश भवन से घूम के आ गए हैं, आए हैं बैरूजी चौराहा पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं जलोरी गेट में छोला भटूरा खाने के लिए, हाँ जो कि नारंग का डिमांड है, इन लोग का भी डिमांड है छोला भटूरा खाना, आज तो हम लोग चलते हैं फिर वहाँ पर दिखाते हैं आपको नज़ारा, हाँ वहाँ का नज़ारा। मनु कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस
छोला भटूरा खाने जा रहा हूँ। ये अरे कुछ उमेश भवन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उमेश भवन के बारे में नहीं, उमेश भवन बहुत अच्छा था, अच्छा था नज़ारा, अच्छा था। ऐसे बात नहीं, बात ये है कि 20% 30% उसका प्लेस जो है ना वो मतलब गवर्नमेंट के तरफ में है, बाकी 70% 75% जो उसका ऑनर है वो प्राइवेट है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा घूमने मिलता नहीं। कुछ नहीं है भाई, सब प्राइवेट मतलब है, मतलब पर गवर्नमेंट का थ्रू में दे दिया है उसको थोड़ा घूमने के लिए, तो वही बात है। बाकी और क्या, 30 रुपये टिकट लगा, घूम के आ गए। अब यहाँ भैरव जी चौराहे से अब जाके हम लोग जाएंगे और जलेरी गेट से वहाँ पर छोला भटूरा खाएंगे, तो फिर छोला भटूरा खाएंगे तो आपको चलिए दिखाते हैं। तो रहिए अभी ब्लॉग, इस ब्लॉग पर बने रहिए। चलिए हम लोग अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, छोले भटूरे। सबके मन पे खुशी आ रही है, नारंग का मुँह ललचा रहा है, मन इनका ललचा रहा है। तो देख सकते हैं छोले भटूरे वाले वहाँ पर हैं। तो फाइनली अपना डेस्टिनेशन पर पहुँचे हुए और छोले भटूरे खाएंगे और मजे लेंगे। तो बने रहिए अभी इस ब्लॉग पे और हमारे चैनल पर, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आपको इस ब्लॉग को बनते। और यहाँ पर नारंग छोले भटूरे खाएंगे, खाओ यार, खाओ खाओ। तो फाइनली हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं, छोले भटूरे यहीं से खाए थे हम लोग छोले भटूरे और नान। तो बना चुके एक बार, बनो आ जा, खाओ खाओ खाओ, बालक लोग खाओ। देख सकते हैं कितना अच्छा डिश है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत मज़ा आया खाने में, अच्छा टेस्टी था। हाँ मैं दूसरी बार खाया और ऋतिक पहले बार था। भटूरा का क्या कहा था, जबरदस्त था। और कुछ कहा, मज़ा आ गया भटूरा, मज़ा आ गया ना, ऐसा भटूरा कहीं नहीं खाए थे। अच्छा कहीं नहीं खाए थे, जब भी आप अगर आइएगा तो आप अगर कहीं आप जोधपुर में आते हैं जरूर जरूर, तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है यहाँ के जस्ट 10 कदम पीछे जाके आप वहाँ पर छोला भटूरा खा सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाते हैं। नारायण भाई से ओपिनियन लेंगे, नारायण भाई गजब बनाता है, गजब आप लोग भी आइएगा वहाँ पे, बहुत गजब बनाता है। हाँ नारायण भाई स्पेशली जब नंदू भाई ने बताया था नारायण भाई को कि मतलब वहाँ पर अच्छा मिलता है, तो नारायण भी उसी की वजह से बोला कि आज चलो हम वहीं पर खाते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आके खाए। और क्या, बाकी सब तो बढ़िया है। फिर चलिए अभी बने रही है अभी ब्लॉग पर, अभी और मार्केट जा रहे हैं, अभी मार्केट से भी जाएंगे, फिर 4 बजे हमारे बस निकलेगी, कॉलेज वाली बस आएगी वापस 4:30 बजे, फिर निकलेंगे 4:30 बजे निकलेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग पहुँचेंगे 5 बजे कॉलेज पढ़ेंगे। तो बने रही अभी इस ब्लॉग पर, तो आगे और दिखाते हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, तो पहले बस आएगी 4 बजे, देन 4 बजे आने के बाद 4:30 को निकलेगी, तो यहाँ से फिर चलते हैं, फिर कॉलेज में भेंट करते हैं आपसे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, बने रहिए इस ब्लॉग पे। फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच गए, हॉस्टल पहुंच गए। तो अगर ये हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ओके, बाय बाय, अब इस ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं।